विषय। पिपार शहर में गणेश जी की मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा निर्दोष भक्तजनों पर अंधाधुंध लाठी चार्ज करने के विरोध में कार्यक्रम को विफल बनाने की साजिश के तहत मूर्तियों को ले जा रहे अलग अलग व्यक्तियों के समूह पर पुलिस कर्मियों द्वारा अंधाधुंध लाठी चार्ज करके मूर्तियों को विसर्जित नहीं करने दिया तथा निर्दोष भक्तजनों पर और उपस्थित मेला में औरतों और बच्चों पर धक्का मुक्की लाठियों से वार करके पूरे मेले में अशांति फैलाकर नागरिकों को अस्त व्यस्त कर दिया और कुछ गणेश जी की प्रतिमा को भी खंडित कर दिया, जिससे सभी शहरवासी इस घिनौनी हरकत की निंदा करते हैं। जय श्री राम।
प्रशासन लाइन देखो माने नहीं चलेगी नहीं चलेगी तारी नहीं चलेगी जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम पुलिस प्रशासन बोलो भारत माता की जय हो प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी साथियों जय हो जो संघर्ष है हमारा शांति पर होश में आओ होश में आओ होश में आओ शांति पर संघर्ष है हम अभी एस टीम साहब को ज्ञापन देंगे जिन वीर शहीदों ने इस भारत माता को गुलामी से प्रजातंत्र में लाने के लिए अपने कितनी ही बहन बेटियों के सुहाग उजार दिए थे। एक दिन भारत माता स्वतंत्र होगी, हमारे अधिकार होंगे, हमारे नियम कायदे होंगे, हमारा संविधान होगा। हम उसी देश की धरती माता को नमस्ते करते हैं, हम उसकी धरती माता के ऊपर रह रहे हैं। हमें बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम हिंदुस्तान की भारत माता की भूमि पर जन्म लिया हमने, हम सबसे बहुत बड़ी सौभाग्य की बातें। पिपार शहर के अंदर गजानंदी मूर्ति का विसर्जन का कार्यक्रम कई वर्षों से चला आ रहा है और जो धार्मिक अनुष्ठान रखने वाले व्यक्ति हो इस पिपार शहर के अंदर सभी को अपने अपने धर्म का अधिकार है। चाहे मुसलमान भाई ईद मनाओ, चाहे ताजे निकालो, वो भी आराम से निकालते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई दखलबाजी नहीं होती है। मैं आपको कहते हुए बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। रात भर से मेरे पास सैकड़ों फोन आए, मैं किसी कार्यवश कल बाहर चला गया था और जब मैंने आप लोगों के फोन सुने और ये सुना कि इस पिपार शहर की धरती के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो गया है और धर्म को कुचला जा रहा है, धर्म को कुचला जा रहा है और बहुत बड़ी हमारी संस्कृति पर अत्याचार हो रहा है, यह कतई हम बर्दाश्त करने वाला नहीं है। साथियों पिपार शहर की धरती पर कोई बर्दाश्त नहीं, चाहे कितने ही बड़ा प्रशासन हो, चाहे कितने ही बड़े अधिकारी हो, लेकिन हमारा जो हक होगा और हक के लिए हम प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति का अपनी संस्कृति है, इसलिए हमारा अधिकार है। जब हमारे भक्तगण ने कल गजानंद जी मूर्ति के विसर्जन कार्यक्रम के अंदर अलग अलग जगह से मूर्ति ला करके मूर्ति विसर्जन के लिए सुभाष घाट तक स्थान पर जा रहे थे, उस दरमियान ये मैं मान रहा हूँ कि कोई भी यदि व्यक्ति गड़बड़ करता होता मैं पुलिस प्रशासन से पिपार शहर की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूँ, पुलिस वालों प्रशासन वालों आपके सिर के अंदर कोई खून बह गया? पहली बात पुलिस प्रशासन को मैं पूछना चाहता हूँ, आपने लाठियां किस लिए बरसाई, आपने मूर्तियां खंडित क्यों की? क्या पुलिस वालों के साथ में हमारे व्यक्ति ने अन्याय किया है? पुलिस कर्मी भी हमारे भाई हैं, हमारे रक्षक हैं,
लेकिन वो कल भक्षक बन गए, रक्षक नहीं रहे, क्या बने? देखिए साथियों, जब हम अन्याय करेंगे और हम नियम तोड़ेंगे और कानून तोड़ेंगे तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब हमारे अधिकार के तहत हम काम करते हैं और उसके ऊपर अराजकता फैला करके अमर्यादित रूप से अन्यायपूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है और हमारे धर्म संस्कृति को लुप्त किया जा रहा है और सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारी संस्कृति को कुचलने का प्रयास किया गया कल, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। ये क्या है? मैं पिपर शहर की जनता की तरफ से, छत्तीसी कौम की तरफ से, जो पिपर शहर के अंदर पुलिस ने जो कृत्य किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आप सभी हाथ खड़े करके उसकी निंदा प्रस्ताव पारित करें। दोनों जय श्री राम, माता की जय हो, प्रशासन तेरी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम न्याय मांगने के लिए आए हैं, हमारे जो भक्तगण हैं उनके साथ बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, हमारी बहन बेटियां भागदड़ के अंदर नीचे गिर गई, बच्चे नीचे गिर गए और बड़ी अफरा तफरी मच गई थी। और बिना किसी गड़बड़ के ये पुलिस वाले आए हैं, मैं इनको कह रहा हूँ आप आराम से हमारा वीडियो लीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपका अधिकार है और हमारा संघर्ष है, हम न्याय के लिए संघर्ष करते रहेंगे पिपर शहर को और न्याय दिला के रहेंगे। सेवा में श्रीमान गृह मंत्री भारत सरकार और सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय पिपार शहर विषय पिपार शहर में गणेश जी की मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा निर्दोष भक्तजनों पर अंधाधुंध लाठी चार्ज करने के विरोध में श्रीमान जी विषय अंतर्गत पिपार शहर के सभी नागरिकों की ओर से निवेदन है कि पिछले कई वर्षों की भांति पिपार शहर में गणेश जी की मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चला आ रहा है, उसी की भांति कल मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के दौरान विभिन्न रास्तों पर जगह जगह से भक्तजनों द्वारा मूर्तियां लाई जा रही थी। एक पूर्व योजना के तहत मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम को विफल बनाने की साजिश के तहत मूर्तियों को ले जा रहे अलग अलग व्यक्तियों के समूह पर पुलिस कर्मियों द्वारा अंधाधुंध लाठी चार्ज करके मूर्तियों को विसर्जित नहीं करने दिया तथा निर्दोष भक्तजनों पर और उपस्थित मेला में औरतों और बच्चों पर धक्का मुक्की लाठियों से वार करके पूरे मेले में अशांति फैलाकर नागरिकों को अस्त व्यस्त कर दिया और कुछ गणेश जी की प्रतिमा को भी खंडित कर दिया, जिससे सभी शहरवासी इस घिनौनी हरकत की निंदा करते हैं। ये मांग की जा रही है कि मारपीट के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कर उनको बर्खास्त किया जाए। भारत माता की जय हो, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। ये ज्ञापन पूरे पिपार शहर की जनता के दिया जा रहा है। भारत में कितना न्याय हुआ जब आम जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि है उनकी चोटे देख लीजिए, चोटे आई हुई है, इतना क्या कौन सा बुरा काम कर दिया, मूर्तियां ले जा रहे हैं, कौन सा गलत काम कर रहे हैं क्या, कौन सा ये देखिए ये फोन टूटे हुए, 10-20-40-50-50 हजार के फोन टूटे हुए हैं, लाठियां बरसर गई है, लाठियां से ही टूटे हैं, ये कोई मन मर्जी से 40-50 हजार नुकसान कोई नहीं करेगा, इसलिए हम सभी करते हैं कि घोर निंदा करते हैं और उससे मिलकर अब ज्ञापन देने जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, रुको रुको भाई, अरे अरे
और धार्मिक टेस्ट भावना क्यों चीज ने क्या थोड़ा पब्लिक को नुकसान करना बहुत जरूरी है, उनकी भावनाओं के संग जरूरी व्यापार है, इसलिए हम आपसे निवेदन करें हमारी भावना खत्म करें और उनके खिलाफ कार्रवाई और अलग बयान जो भी होंगे जनप्रतिनिधि देंगे। धन्यवाद।